सही बात है। इसी तरह लिखा जाता है, कितने दिन से स्कूल जाते हैं, कई साल हो गया, कितना फीस दिए, ये है कृषक शिक्षा शिक्षण सेवा संस्थान है। घर से काम सुंदर सुंदर, यहाँ पे लड़के जो है कि रोड पे पढ़ते हुए, ले लो बढ़िया किताब खरीदो, ऐसी किताब जैसी, हमारी किताब जैसी, बहुत मेंटल देखोगे, तीन विषय ज्ञान गंगा, ये कहाँ मिलेगी मैं बता रहा हूँ दुकान का। ये हमारे प्रबंधक साहब हैं डॉक्टर, क्या नाम है, कल्पनाथ यादव जी। कहाँ घर है आपका भैया? मेरा घर ग्राम सभा सरया, हाँ, पोस्ट हलीमाबाद, पोस्ट हलीमाबाद, कौन से अहमदाबाद गोहना का निवासी जी। और वर्तमान पता है प्यारेपुर सलादीनपुर में मेरा ननिहाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्यारेपुर बगल में निवास करता है। हाँ, ये क्यों रोड पे पढ़ा रहे हैं आप? रोड पे इसलिए, विद्यालय हम चलाने जा रहे हैं, सन 2008 का जो है हमारा लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। इधर देखिए, इधर इधर इधर, हाँ। और भाई, हाँ, और गांव के लोग हमको चलाने नहीं देते हैं, जब पढ़ाने कल्पना शुरू करता है या विद्यालय खोलना चाहता है तो उपद्रवी जो है हमको जान मारना चाहते हैं, मेरे भाई हिस्सा को लेकर मेरा जान मारना चाहते हैं। मैं कई बार इसकी शिकायत कोतवाल के यहाँ किया, एप्लीकेशन दिया, पुलिस आई तो कहे कि सुलह कर लो, हमने कहा किस बात पर, मेरा हक हिस्सा जो मारा जा रहा है, मेरा विद्यालय है, नहीं चलने देते हैं, कहा सब कुछ हो गए हो जाएगा, तुम्हारा घबराओ मत, कुछ सफलता प्राप्त किया हूँ और कुछ प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मुझको। अच्छा, बच्चे जुटाने तो अपने अपने निजी खुद का खोलने वाले है, मेरे नाम से जमीन है, मैं खोलूंगा। अच्छा अच्छा, मेरा भी एक बच्चा है जिसका मोबाइल नंबर आप नोट करिए, 73 73 3 1 7 9 3 9 8 पर बात करिए, वो बताएगा हमारे बारे में, मेरा बाबू। अच्छा अच्छा, ये लोगों को डेली पढ़ाते हैं या फिर? डेली पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, तीन जगह पढ़ाता हूँ, सुन लीजिए, हाँ, 3 से 5 यहाँ, 5 से 7 दहिया में, और 8 से 10 मशीना में, इसके बाद घर जाता है। ठीक है।